तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज फिर स्वागत है आपका नए एक वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाला हूं 5012 गाड़ी का साइलेंसर के बारे में, जो फेस वन का BS6 गाड़ी है। तो यहां पर खड़ा है जैसे TA08UG6786 का गाड़ी, इसका साइलेंसर जो है ये खोले हैं हम लोग और इसमें यूरिया जम गया है साइलेंसर में। जैसे यूरिया का इंजेक्टर फेलियर हो गया, डायरेक्ट फेंक दिया है, तो फेंकने के वजह से मिक्सर में ACR मिक्सर असेंबली रहता है उसमें पूरा यूरिया जम गया है, तो उसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। क्योंकि एक गाड़ी का साइलेंसर का वारंटी रहता है 1512, मतलब 3.3 लीटर का इंजन का गारंटी जो रहता है साइलेंसर का, वो 3 साल तक रहता है। तो आप लोग का गाड़ी का अभी साइलेंसर कभी भी ख़राब हुए तो 3 साल तक वारंटी बिल्कुल आ सकता है। जैसे हम लोग वारंटी में ही चेंज करने वाले, अभी देखिए साइलेंसर निकाल लिए हैं इसका और मैं दिखाने वाला हूँ साइलेंसर निकाल कहाँ पर रखे हुए हैं और उसमें कितना जमा हुआ है लिक्विड, और उसको इसीलिए चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर रखा हुआ है खोल के साइलेंसर 4 गाड़ी का, जिसमें हमें 3-2 गाड़ी का चेंज कर चुके हैं, 2 गाड़ी का और चेंज करना है। यहाँ पर लिक्विड के बगैर देखो कितना पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका 3.3 लीटर का साइलेंसर है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है जहाँ से हवा निकलता है लास्ट में धुआं निकलने का, वहाँ तक लिक्विड आगे जमा हुआ है और इसमें भी जमा हुआ थोड़ा सा, लेकिन इसको क्लीन करके लगा देंगे। और जो इसमें है इसमें पूरा अच्छे से जमा हुआ है, दिख रहा होगा आपको ACR मिक्सर में, जहाँ से यहाँ से डोजिंग करते हैं, डोजिंग वाल लगता है, यहाँ से लेके जब घुसा है अंदर में तो पूरा जम गया है, ये पूरा जमा हुआ है। तो इसको साफ करने का रहेगा, अगर थोड़ा बहुत रहता है तो साफ कर सकते हैं, नहीं तो अगर ज़्यादा है तो इसको बिना डैमेज किए साफ कर सकते हैं तो करना है, नहीं तो बिना डैमेज किए कर सकते करना है, डैमेज करके साफ नहीं करना, तो डैमेज बिना किए नहीं साफ हो सकता, इसलिए इसको नया डालना पड़ेगा। तो हम लोग नया पार्ट मंगा लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर भी दिखा दूँ आपको, नहीं सेम है, इसका भेज रहा फोटो भेज रहा हूँ किसी को। यहाँ पर आ गया इसका साइलेंसर, नया वाला साइलेंसर आ गया 63,000 का, 63,000 का आ गया है, 63,346 रुपये का, सिर्फ ACR मिक्सर है फेस वन का। और फेस टू और फेस वन में डिफरेंट है, दोनों गाड़ी का अलग अलग है। यहाँ पर सिर्फ नॉक सेंसर का लगा हुआ है, उसमें एक और सेंसर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसको अभी हम लोग वारंटी में रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी 3 लाख और 3 साल के अंदर में ही है। और इसका जो फेस टू का गाड़ी था उसमें हम लोग असेंबली लगा चुके हैं नया, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा असेंबली दोनों चेंज हुआ है। और दोनों का भी रेट दिखा दूँ आपको कितना है असेंबली का, किधर है रेट, असेंबली का रेट है 1,97,000 और इधर एक और है इसका 1,79,000 है। ये 4 HP का है और ये 3.3 लीटर का है, तो इसको अभी हम लोग रिप्लेस करके गाड़ी कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ इस साइलेंसर के साथ में 2 पार्ट और लगने वाला है एक्स्ट्रा, जो गाड़ी के साथ में है, जिसकी वजह से ख़राब हुआ साइलेंसर। एक ये हो गया DF इंजेक्टर, ये 7,000 का 8,000 का लगभग है, लेकिन ये वारंटी में नहीं आएगा, ये 2 साल का रहता है इसका। और एक गैसकिट है, ये भी चेंज होगा 824 रुपये का, एक 2 सामान लगेगा और एक 3, ये 3 में गाड़ी हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर साइलेंसर को असेंबल कर लिए हम लोग और गाड़ी में बस चढ़ाना है इसको, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर पूरा असेंबल करके रखा हुआ है। और इसको ट्रॉली लेके आएंगे, एक छोटी ट्रॉली में डाल के और गाड़ी के अंदर घुसाएंगे, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पर नया साइलेंसर लगा के और गाड़ी को पूरा फिट कर चुके हैं, टैग वैग मार के पूरा बराबर असेंबल, अब गाड़ी स्टार्ट करके चेक करना है और चेक करके गाड़ी ट्रायल मारेंगे, ट्रायल मार के गाड़ी को रिलीज कर देंगे हमारे यहाँ से। अरे साइरम ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है, जिसका नंबर है, अभी भी वारंटी में है गाड़ी। गाड़ी का लॉक खुला हुआ है, अब गाड़ी में जाके स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसको।
जैसे यहाँ चेक लाइट सिग्नल सब आ रहा है और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा 2-5 मिनट के अंदर पूरा चले जाएगा। तो यहाँ पर पूरा लाइट इसका जा चुका है, अभी लैपटॉप भी लगा लिया, लैपटॉप में पूरा फॉल्ट फुट क्लियर है और गाड़ी को ट्रायल मारेंगे हम लोग, ट्रायल मार के और डिलीवरी दे देंगे। तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट और ट्रायल भी मार दे रहे हैं हम लोग, जैसे कि चेकलेट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। और इधर हम लोग 20 किलोमीटर का ट्रायल मार के गाड़ी को डिलीवरी के लिए रख देंगे।